दंतेवाड़ा जिला के गुमियापाल के जंगल में हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ पर उठे सवाल। सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया टीम के साथ पहुंची घटनास्थल, कहा मुठभेड़ फर्जी, निर्दोष आदिवासियों की पुलिस वालों ने की है हत्या। तो सरकार के द्वारा बाद में ये न्यूज फैलाया गया पुलिस के द्वारा कि वहाँ पे उस दिन एक मुठभेड़ में दो व्यक्ति, एक पोदिया और लच्छू नाम के दो व्यक्ति 5-5 लाख के इनामी नक्सली थे और उनको उन्होंने पुलिस ने मार गिराया। मगर हमारी जांच में हमने ये पाया कि ये सरासर झूठ है। ये दोनों ग्रामीण थे और ये सक्रिय ग्रामीण थे, ये लोगों का मुद्दा उठाते थे और वहां पे आज जो लोग इकट्ठे हुए थे वो पूरे ग्रामीण ही नहीं थे, उनके पूरे परिजन थे। मतलब एक बहुत बड़ी सभा थी और उस सभा में के बीच में हम लोग ने तीन गवाहों से बात की, क्योंकि ये 5 लोग थे जिनको सरकार, ये पुलिस ने चाहा था उनको ले जाने के लिए, मगर 5 में से 2 लोग भागने में सफल हो गए थे। तो यही 2 गवाहों ने हम लोग को पूरी घटना बताई और सभी लोगों के समक्ष बताई और सभी लोगों ने ये भी बताया कि कोई उस उधर जंगल में या कहीं भी कोई मुठभेड़ नहीं हुई थी, कोई गोलियां उस दिन नहीं चली थी। और ये जो 2 गवाह थे इन्होंने ये बताया कि ये लोग उस दिन 5 जन कुछ खा पी रहे थे स्कूल परिसर में, जब 16 से 20 जितने पुलिस फोर्स आई और इन लोग को खींचकर रोड पर ले गई, जिसमें से रस्ते में ही अंधेरे में 2 लोग भाग गए और ये पोदिया को और लच्छू को रस्ते में ही मार दिया गया और जो एक है अजय तेलांग उसको ले जाया गया। मगर आज अभी तक, शुक्रवार रात की घटना है, मगर अभी तक पता नहीं है कि अजय किधर है। पुलिस कह रही है हमको उसकी कोई जानकारी नहीं है। उसकी माँ वहां पे शनिवार पूरा बैठी रही, आज पूरा दिन वो वहां पे बैठी रही थी किरंदुल थाना में, मगर आज दिन तक उसकी माँ को पता नहीं है कि उसका बेटा कहाँ है।